Now let us start exercise 4.2, question number 1. Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 and first a unique solution, second one is two solutions, third infinitely many solutions. इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको चेक करना है a यूनिक सॉल्यूशन है या वन टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. तो y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको चेक करना है कि वन वन सॉल्यूशन है या वन टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. x वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5. x की वैल्यू 0 पुट किए, y की वैल्यू 5 आ गई. अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है. अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखेंगे क्या आ गया. तो y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जहां x है वहां 1 लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को ऐड कर देंगे. y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8. x की वैल्यू है 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 फाइंड होगी. x वैल्यू 1 पुट किए, y वैल्यू 8 है. x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 करेंगे, देखें क्या आता है. तो y वैल्यू 3x प्लस 5, x वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y वैल्यू 5 करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 इंटू 6 प्लस 5 इक्वल टू 11. x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 11 है. तो x की वैल्यू 2 रखें, x वैल्यू 3 रख रहे हैं, रिपुट करेंगे. y वैल्यू 3x प्लस 5 में x की वैल्यू रिपुट करेंगे, देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है. तो y वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 इंटू 9 प्लस 5 इक्वल टू 14. x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 14 है. तो फर्स्ट है y इक्वल टू 3x प्लस 5 है अ यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन वन ही सॉल्यूशन नहीं है. x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे 5 आती है, y की 1 रखते हैं 8 आती है, 2 रखते हैं 11 आती है, 3 रखते हैं तो 14 आती है. इस प्रकार से 4 रखेंगे दूसरा आएगा. इसका मतलब वन ही वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. वन ही टू सॉल्यूशन चेक करेंगे, इसमें टू सॉल्यूशन नहीं है बल्कि टू सॉल्यूशन से ज्यादा है. इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी. इक्वेशन जो है x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है या y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. y की वैल्यू चेंज करेंगे x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू.